देश में दवाओं पर नजर रखने वाली संस्था DCGI ने भारत में 2 कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को अब हरी झंडी दे दी है, जिसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार हो रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड शामिल है। पीएम मोदी ने भी वैज्ञानिकों की इस कामयाबी के लिए देश के लोगों को बधाई दी है और इसे आत्मनिर्भर भारत की मुहिम की ओर एक बड़ा कदम बताया है। लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों को यह कामयाबी रास नहीं आई है और कांग्रेस के कई नेताओं ने तो देश में बनी कोरोना वैक्सीन की मंजूरी पर ही अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कोवैक्सीन के सुरक्षित होने पर ही सवालिया निशान लगा दिए, हालांकि DCGI ने कोवैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित करार दिया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से तैयार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर सवाल खड़े कर दिए और ट्वीट किया, कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी तक नहीं हुआ, इसको समय से पहले मंजूरी दी गई है जो खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन इस पर कृपया सफाई दें, ट्रायल पूरा होने तक इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। इस दौरान भारत में एस्ट्राजेनिका वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ट्वीट करते हुए ये आशंका जाहिर की कांग्रेस नेता शशि थरूर ने। और कांग्रेस पार्टी भी इस पर आशंका जाहिर कर रही है और उसी कड़ी में शशि थरूर ने यह आशंका जाहिर की है। ऐसे में जबकि देश में ही अब 2 वैक्सीन के आने पर लोगों में खुशी की लहर है, वैज्ञानिकों को बधाई दी जा रही है, ऐसे में इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कांग्रेस नेता। हमारे सहयोगी नीरज कुमार इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, साथ ही अमित पांडे भी। नीरज, कांग्रेस पार्टी के नेता अगर सवाल खड़े करते हैं तो किस तरह की आशंका, क्योंकि जवाब वो सीधे देश के स्वास्थ्य मंत्री से मांग रहे हैं। नीरज, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, जो सवाल खड़े किए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कि ये कितनी सुरक्षित है, आशंका उन्होंने जाहिर की है और अब जवाब वो देश के स्वास्थ्य मंत्री से मांग रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता न सिर्फ शशि थरूर ने बल्कि जयराम रमेश जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने सवाल का जवाब मांगा है कि जब तीसरा ट्रायल पूरा नहीं हुआ है तो उस पर पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले रणदीप सुरजेवाला का एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोवैक्सीन का जो अनुमति मिली है उसका स्वागत किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर अलग अलग लाइन होते, नेताओं की व्यक्तिगत राय भी होती है और जब तक कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक राय पहुंचती है लोगों तक तब तक कई नेता बयान दे चुके होते हैं। अब से थोड़ी देर पहले हम लोग सुन रहे थे कि कैसे राशि दलवी ने जो बयान दिया है अखिलेश यादव पे, पार्टी ने आधिकारिक तौर पे इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, लेकिन राशि दलवी का बयान अपने आप में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के उस बयान को डिफेंड करता है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह बीजेपी की वैक्सीन है। पीएल पुनिया अखिलेश यादव की आलोचना कर रहे हैं कि यह बयान ठीक नहीं है, तो अलग अलग राय है, लेकिन जब तक आधिकारिक राय आती है तब तक देर हो चुका होता है और किरकिरी हो चुकी होती है। तो इस मामले में भी अब से थोड़ी देर पहले जो कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला ने बयान तो दिया है, लेकिन उससे पहले जो बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से दिया गया वो सवाल पैदा करते हैं। और शशि थरूर का बयान देखें या फिर जयराम रमेश का, उन्होंने तो कोवैक्सीन पर ही सवाल खड़ा किया है, जिसको लेकर रणदीप सुरजेवाला ने साफ कहा है कि इसकी अनुमति देश के लिए गर्व की बात। ये सफाई भी हो सकती है उनकी तरफ से और अब ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आखिर एक राय नहीं है। ऐसे में जबकि वैक्सीन आने पर देश भर में स्वागत हो रहा है, बधाइयां दी जा रही है, कांग्रेस नेताओं में एक राय नहीं है, कुछ इस पर सीधे आशंका भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन देश में बनी वैक्सीन के विरोध पर बीजेपी